खुद अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा जी इस वक्त मृतकों के गांव पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर ये एक बड़ी घटना हुई है, इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया है, क्या बातचीत हुई? नहीं, संदेश तो नहीं, मतलब इनके परिवार को कल जब घटनाक्रम हुआ मैं तब से ही इस परिवार के टच में हूँ, तो उस समय से मैंने राहुल जी को ब्रीफ किया कि ये घटनाक्रम हुआ, हालांकि वो मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ है, तो वो रहने वाले राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के थे, तो उन्होंने मेरे को यही निर्देश दिया कि आप तत्काल परिवार के उसमें खड़े रहिए, उनके दुख में उनके साथ रहिए, जो भी जरूरत है परिवार की उसको भी वाच करिए और जो भी इनको मदद हम कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ऐसे घटनाक्रमों में करते हैं। तो कल जब इनके पिताजी से मेरी बात हुई तो उनको तब तक बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं था, तो लेकिन उनको ये पता लग गया था कि ये हो चुका है, तो उन्होंने एक बात मेरे से तभी कही थी कि जब रायबरेली में जो हमने किया था FIR वगैरह, तो उसके ऊपर अगर पुलिस संज्ञान लेती तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होता, ये उनके पिताजी का मानना है, जो फर्स्ट उनकी पहली ही ये बात थी। तो फिर हमने पता भी किया कि क्या था, रायबरेली पुलिस से भी बात किया, तो मतलब अगर उस समय थोड़ा सा सीरियस ले लेते पुलिस ना, शायद ये घटनाक्रम नहीं होता, मेरा उनका भी मानना यही है, मेरा भी यही मानना है। जब इस संबंध में हमने भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो तहरीर दी गई थी उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उसे जेल भेजा गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। नहीं, कार्रवाई किया तो फिर क्यों अपराध हो गया, तो उसका मतलब कार्रवाई में कोई कमी रह गई? अगर आपने गंभीरता नहीं से नहीं देखा कि इसके अंदर आपने उसको बुलाया होगा, बातचीत किया होगा, पुलिस तो अपराधी की साइकोलॉजी समझती है, ठीक है, वो तो एक मिनट में उनको पता रहता है कि ये किस लेवल तक जा सकता है, तो ये पुलिस को जांच करना चाहिए था, वाच रखना चाहिए था उसके ऊपर कि है। तो फिर वो जब रायबरेली से परिवार चला गया वहाँ पे, तो तब भी देखना चाहिए था कि भाई मतलब क्या किस तरह का हो सकता है, तो परिवार वालों को यही कहना कि देखो जाने वाला तो नहीं आ सकता, वो दुख को सह रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा दुख है, कल हमारे अपने परिवार में तो हमारी क्या मनोदशा होगी, आज वही उस परिवार की मनोदशा है, क्योंकि मैं तो उनके रिश्तेदार लड़की साइड से भी दोनों से मिल रहा हूँ, तो अब उनका है कि हमको न्याय मिले, जो भी कल्प्रेट है उसको सजा मिले, तो यही उनकी डिमांड है, हमारी भी प्रशासन से यही डिमांड है कि जो है उनको न्याय मिले, कम से कम उनके दिल को शांति मिले कि हम लोग जो है हमको न्याय मिला, तो इतनी बात है बस। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा जी, जिनका कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उसका ये मानना है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अब ऐसे में ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय के साथ जो पीड़ित परिवार की अन्य मांगे हैं उसको भी शासन प्रशासन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।